दोस्तों ये वीडियो नए यूट्यूबर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों अगर आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसे डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए? दोस्तों आज मैं इसके बारे में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा अक्सर कॉपीराइट क्लेम वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों कोई कोई क्रिएटर रहता है, सोचता है मेरे वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आए, मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा। और किसी किसी कॉपीराइट क्लेम पर वीडियो पर मतलब कम व्यूज आता है तो कोई कोई जो क्रिएटर होते हैं वो डिलीट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कॉपीराइट क्लेम वीडियो डिलीट करने के नुकसान क्या है और डिलीट न करने के फायदे क्या है। दोस्तों यदि आप कॉपीराइट क्लेम वीडियो डिलीट कर देते हैं तो दोस्तों आपका चैनल का ग्रो जो है बंद हो जाता है। दोस्तों ये हकीकत बात है, अब जानिए कैसे बंद होता है। देखिए मान लीजिए आपका 2-3 कॉपीराइट वीडियो है और उस पर अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, मतलब उस वीडियो से आपका व्यूज भी मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी मिले, कमेंट और लाइक भी मिल रहा है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, सोचते इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है, हमारे चैनल पर इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं बता दूँ आपको कॉपीराइट क्लेम से दोस्तों आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉपीराइट क्लेम का मतलब दोस्तों ये होता है जिस ऑनर का जो म्यूजिक होगा, दोस्तों जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, जब आप अर्निंग मतलब प्राप्त करने लग जाएंगे, तो जितना अर्निंग मतलब कॉपीराइट क्लेम वीडियो से आएगी दोस्तों उस ऑनर के पास चला जाएगा, बस इतना ही होता है दोस्तों कॉपीराइट क्लेम का मतलब। दोस्तों अगर आपको कॉपीराइट क्लेम वीडियो डिलीट करना है तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए अभी आप कॉपीराइट क्लेम वीडियो डिलीट मत कीजिए। डिलीट कब करना है आपको? जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता, मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आवर का जो मतलब क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो दोस्तों उस मतलब आज डिलीट कर दीजिए वीडियो को कॉपीराइट क्लेम वाले को, और कल अप्लाई के लिए मतलब मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों अब मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों अब मैं चलता हूँ आपको क्रोम के डेस्कटॉप साइट पर, चलकर आपको बताता हूँ आप अपने कॉपीराइट क्लेम वीडियो को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप साइट पर। फाइनली हम डेस्कटॉप साइट पर चले आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आप अपना कॉपीराइट क्लेम वीडियो कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉपीराइट क्लेम वीडियो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस सी वाले सिंबल पर क्लिक करना होगा। मैं जूम कर दिया हूँ, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब कुछ इस तरह का पेज निकल कर आएगा, आपको बारीकी से समझना है, ठीक है, दिमाग लगाकर समझना है कैसे कॉपीराइट क्लेम वीडियो को ओपन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये लिखा मिल जाएगा कॉपीराइट, ठीक है, यहाँ पर टेक डाउन रिक्वेस्टेड, ओके। फिर यहाँ पर आप देखिए वीडियो लिस्ट। तो दोस्तों अगर आपको कॉपीराइट क्लेम वीडियो निकालना है तो यहाँ से जितने भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम मिला रहेगा यहाँ से पेज निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा एक भी कॉपीराइट क्लेम वीडियो नहीं है। अगर ये म्यूज़िक का होता तो दोस्तों ज़रूर 4-5 वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम मिल गया होता। इसके पहले दोस्तों मिला था बट मैंने कैटेगरी चेंज कर लिया, आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है नो मैचिंग वीडियोस, प्लीज़ ट्राई अगेन। कॉपीराइट क्लेम वीडियो है ही नहीं तो दोस्तों इसलिए नहीं निकल कर आया है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गई होगी कॉपीराइट वीडियो कब डिलीट करना चाहिए कब नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं टेक से रिलेटेड वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।